एवरीवन, वेलकम बैक टू आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट की अपडेट के बारे में कि नीट का रिजल्ट का कुछ अपडेट आया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है एंड इससे हमें ये भी समझ आएगा कि नीट का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो हुआ ये है कि जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की ये हियरिंग थी कि जो वो दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने केस फाइल किया था उनका फ्रेश एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद आपका रिज़ल्ट जो आएगा उसके साथ में उनका भी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इन दो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के बाद ही नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला था, राइट। तो क्या हुआ कि एनटीए ने बोला कि हम ये जो है हियरिंग को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो है वो 29 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन अभी हुआ ये है कि जो 29 अक्टूबर को हियरिंग होने वाली थी ये 27 को होने वाली है। इससे ये कैसे पता चलता है वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अच्छे से पहले दिखा देती हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपना ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे हम ये पहले डाल देते हैं 7500 है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डायरी नंबर, तो डायरी नंबर है 25798, ठीक है। इसको जैसे ही आप डालोगे ना, मैं लिंक आपको डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पे जाके ये अपने आप भी कर सकते हो। डायरी नंबर आपको 25798 डालना रहेगा, अब आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये हियरिंग जो है कब होने वाली है। इसकी हियरिंग यहाँ पे दिखा रहे टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन 27 अक्टूबर 2021, यानी कि 27 अक्टूबर को इसकी हियरिंग होने वाली है, कल इसकी हियरिंग होगी। और यहाँ पे पेटिशनर आपको दिख ही रहा है, एनटीए है, राइट। एंड यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रेस्पोंडेंट कौन कौन है एंड एडवोकेट कौन है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो हो रही है। तो 27 अक्टूबर को इसकी हियरिंग दिखाया जा रहा है और स्टेटस इसका अभी पेंडिंग है। जब इसकी हियरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे जो भी वो होता है ना, रिजल्ट होता है, वो लिखा हुआ आ जाएगा आपको। ओके, आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि कल इसकी हियरिंग होने वाली है। तो आपने देख ही लिया होगा कि 27 अक्टूबर शो कर रहा है, 29th पहले शो कर रहा था, यानी कि कल हियरिंग होने वाली है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग अगर एनटीए के फेवर में हो जाती है तो आपका रिज़ल्ट, चांसेस हैं कि आपका रिज़ल्ट 28 29 तक आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो एनटीए का ये जो नीट का रिज़ल्ट है ये इसी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो ये हियरिंग आई थी उसकी वजह से ये रुका हुआ है। अदरवाइज रिज़ल्ट आपका रेडी है, बस डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो 28 या 29 तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है अगर एनटीए के फेवर में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो जाती है तो। एंड अगर नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि जो दो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्रेश एग्ज़ाम लिया जाए, तो आपका रिज़ल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं फिलहाल। तो नो मैटर व्हाट, आपका जो ये जो हियरिंग है वो फेवर में आए या फिर अगेंस्ट आए, जो रिज़ल्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक पक्का आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और आई रियली होप कि आपके फेवर में ये न्यूज़ जाए और आपके जो रिज़ल्ट है वो फटाफट से आ जाए, आपको मेडिकल सीट मिल जाए आपकी। एंड दूसरी एक और अच्छी न्यूज़ ये आई है कि अब रिज़ल्ट आएगा तो आपको कट ऑफ भी समझ आएगा कि कितने मार्क्स पे कितना कौन सी मेडिकल कॉलेज मिल रही है और आपका जो रिज़ल्ट है वो मेडिकल सीट के लिए है कि नहीं है, मतलब उतने आपके मार्क्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक और काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं ना मेडिकल के, वो इंक्रीज़ किए गए हैं इस साल। अराउंड 2500 सीट्स पूरे इंडिया में इस साल इंक्रीज़ की जा रही है, तो इससे आपका जो कट ऑफ है वो स्लाइटली कम हो जाएगा। और अगर आपका आपके स्टेट में अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूपी में काफ़ी कॉलेजेस खुल रहे हैं इस साल, तो यूपी का जो कट ऑफ है वो स्लाइटली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो कट ऑफ डिक्रीज होता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस।
राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ अच्छा समझ में आया होगा और आपका मूड स्लाइटली या थोड़ा सा भी अगर बेटर हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग। ऐसी अपडेट्स आगे भी आती रहेंगी और जो भी अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट की जो भी हियरिंग होगी उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर से बनाऊँगी। या दैट्स इट। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग।